डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है, इसरो लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 14 फरवरी को वर्ष का पहला उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, जिसे EOS-04 के नाम से जाना जाएगा। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-52 का प्रयोग कर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ की उपस्थिति में यह पहला उपग्रह लॉन्च कार्यक्रम होगा। इसरो 1170 किलो के उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने की योजना बना रहा है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मृदा की नमी और बाढ़ आदि के मानचित्रण में किया जाएगा। इस उपग्रह के साथ 2 छोटे उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे, इंस्पायर सैट 1 और INS-2D। गौरतलब है कि इसरो ने वर्ष 2022 में चंद्रयान 03 और आदित्य L-1 जैसे कई PSLV और GSLV मिशनों को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल।